सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं एजेंटा का द रॉयल पटियाला किचन। वहाँ पे एक बफेट का सिस्टम है, 180 रुपए में अनलिमिटेड फूड, और भाई 20 रुपए मान के चलो कि पानी का हो जाएगा तो अप्रॉक्स 200, ठीक है। तो भाई 200 रुपए में अनलिमिटेड फूड, भाई देखा जाएगा फूड की क्वालिटी कैसी है, और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा मैं आप लोगों को कि भाई आई थिंक जब मैंने इसका गूगल पे देखा था तो इसकी रेटिंग बहुत कम थी, ठीक। तो अब जाके पता करूँगा कि क्या भाई ये सच में इतनी कम रेटिंग के लायक है कि नहीं, और फूड वूड एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो चलो मेरे मतलब वीडियो में बने रहना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो, हम लोग निकल चुके हैं अपने हॉस्टल से, और भाई जब हॉस्टल से निकला भाई ठंडी तो भाई बहुत ज़्यादा थी, और आप लोग व्यू देख सकते हो हॉस्टल का कि भाई कैसे ठंडक थी, ठंडक अभी और भी बढ़ी गई है ना। तो फिर मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन मतलब इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दे दी, आप लोग ज़रूर चेकआउट करो। और मैं अगर ऐसे बताऊँ तो भाई बड़ा बाजार के बहुत ज़्यादा पास में, तो यहाँ पे जा जब मैं गया तो वहाँ पे लिखा हुआ था अनलिमिटेड फूड फॉर टू मतलब ₹200 है ना। तो मैंने पहले 180 था, अब बढ़ गया 200, तो भाई अप्रॉक्स मैंने पहले बता दिया था 200 ही मान के चलो, क्योंकि 20 रुपये वाटर बॉटल की, ठीक है। तो फिर ये यहाँ पे कुछ था मतलब पीने वीने की व्यवस्था थी, मतलब वहाँ पे शेक वेक मिलता था, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने देखा एनीवेयर डोर डोरेमोन का, मुझे ऐसा लगा। तो भाई सच कहूँ देखने में बहुत अच्छा था, ठीक है, द रॉयल पटियाला किचन। और ये है इसका मेन्यू, मतलब जो जो वहाँ पे सामान थे मतलब जो जो खाने के है वो सब यहाँ पे इसकी प्राइस लिखी हुई है, ठीक है। तो आप लोग पॉज करके भी देख सकते हो, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे लाइट बहुत जल्दी चली जा रही थी, लेकिन एम्बियंस की बात करें भाई बहुत अच्छा एम्बियंस था। और भाई मैं एक मेन चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा हो के रखी थी, मतलब अगर आप लोग हल्का सा भी फूड गिरा दोगे तो भाई उसको तुरंत ही साफ़ कर देंगे, मतलब एकदम अच्छा दिखाने की, यहाँ के सभी स्टाफ मेंबर ने बहुत अच्छा दिखाने की है। और ये था वहाँ का क्या बोलते हैं फूड, तो फिर देख लो। और हाँ, इसमें मेन चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी जो कि यहाँ का चम्मच, मतलब जो भाई यहाँ से निकालने के लिए जो चम्मच यूज़ किया गया वो उतना अच्छा नहीं लगा। मैंने शाही पनीर को बहुत ज़्यादा मिस किया, ये वाइट वाइट कलर की पता नहीं कौन सी पनीर थी। और भाई यहाँ ये छोले के साथ कुलचे लगे हुए थे, छोले कुलचे भाई एक नंबर था, आप लोग ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, आई थिंक मेन्यू चेंज होता रहता है, तो फिर आप लोग सामने देख सकते हो, मुझे नहीं मालूम कौन सी क्या वैरायटी है। सांभर भाई, सांभर भी एक नंबर था यार, मैं सच कह रहा हूँ। और हाँ, दाल मखनी बहुत ही वाहियात थी, अरे यार ऑनेस्ट रिव्यू मैं देना चाहता था, इस वजह से ऑनेस्ट रिव्यू दे रहा हूँ। दाल मखनी में बिल्कुल भी नमक नहीं था। और हाँ, यहाँ का मेन्यू फोटोकॉपी में आया था, तो फिर मैंने सोचा आप लोग पहले ही दिखा चुका हूँ मेन्यू, आप लोगों को पॉज करके देख लेना, मज़ा आ गया, मैं सच कह रहा हूँ भाई। यहाँ का मंचूरियन और सब चीज़ एकदम अच्छा था, दाल मखनी को छोड़ के, मैं सच कह रहा हूँ। और हाँ, एक और सूखी जो सब्ज़ी थी वो भी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, तो भाई बहुत अच्छा था। अभी मंचूरियन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, मंचूरियन भी भाई ट्राई करना, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। नान वान वहीं पे आ जाता है टेबल पे, तो आप लोग चाहे मतलब ज़्यादा मत लेना, क्योंकि फ़ाइन भी लगता है, तब छोड़ना नहीं, ले तो सकते हो लेकिन फ़ाइन लगता है 100 रुपये छोड़ने का, तो आप लोग। और भाई मज़ा आ गया जो भी कहो। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि यहाँ पे लिखा हुआ था प्लीज़ डू नॉट पे एनी टिप टू द स्टाफ मेंबर, तो भाई ये कुलचे थे वहाँ जो मैंने आप लोगों को दिखाया था छोले के बगल में, तो जो खाली था वो यही कुलचा था, तो भाई टेस्ट करना, मज़ा आ जाएगा, मैं सच कह रहा हूँ मज़ा आ जाएगा। इसी के बगल में एक बेकरी थी, मैंने सोचा क्यों ना उसका भी बना लिया जाए। तो बेकरी आप लोगों के सामने देख सकते हो, बहुत ही छोटी सी बेकरी थी, और हाँ मतलब बड़ा केक आप लोगों को नहीं मिल पाएगा, एक नॉर्मल साइज़ का आप लोगों को केक मिल पाएगा, और बेकरी भी अच्छा खासा थी। और भाई सबसे वाहियात एक और चीज़ मुझे लगी, वो है भाई यहाँ का शेक चौक, मैंने ओरियो शेक ऑर्डर किया था, इतना बकवास था ना, मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ वहाँ पर मैं बोल नहीं सकता था, लेकिन एकदम एवरेज था। सो फाइनली गाइज, हम लोगों का मेन्यू आ गया था, सब कुछ मिला विला के, शेक वेक का, टैक्स वैक्स मिला के। अब रिव्यू के बारे, सो वीडियो तो अब ख़त्म हो गई, अब मैं आप लोगों को ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें एम्बियंस की, एम्बियंस अच्छा था, ठीक है। खाने की बात करें, खाने में भाई मुझे सबसे बकवास लगा भाई
दाल मखनी, मैं सच कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा बेकार था। एक सूखी सब्जी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो भी आलू और पता नहीं किस चीज की थी, वो भी बहुत ही बेकार थी। दोनों में एक प्रॉब्लम थी, नमक बिल्कुल भी नहीं था। थर्ड है वो जो पनीर मैंने आप लोगों को दिखाया था व्हाइट कलर का, भाई वो मीठा था, लेकिन क्या करें, शायद मेन्यू चेंज होता रहता है, तो फिर उस समय हम जब हम गए थे तो उसमें वो वाला पनीर था, लेकिन वो भी पनीर भी मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। और सबसे बेकार चीज़ मुझे ये लगी वहाँ का, भाई जो शेक था, हालांकि वहाँ के शेक की प्राइस अगर आप लोग देखोगे तो लगेगा भाई 60-70 रुपये में भाई शेक मिल रहा है, क्या बात, लेकिन प्राइस के हिसाब से भाई क्वालिटी भी एकदम वाहियात थी। और मैंने ओरियो शेक ऑर्डर किया था, भाई इतनी बकवास थी, मतलब ठंडे दूध में समझ लो ओरियो पीस के मिक्स करके दे दिया गया, लेकिन बहुत बेकार थी। कभी भी शेक मत ट्राई करना, आप लोगों को मन हो कर लेना, लेकिन मैं बता रहा हूँ मत ट्राई करना, ठीक है। बाकी सब बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। मेरे जब मैं गया था छोले कुलचे थे, ट्राई करना अगर आपके होंगे तो छोले कुलचे बहुत ट्राई करना, बहुत अच्छा था, मज़ा आ गया। अगर आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप लोगों को ज़रूर जाना चाहिए वहाँ पे, लोकेशन बड़ा बाजार के बहुत ही पास में है, तो कोई अगर आपसे 50-60 रुपये ले रहा है तो मैं जाना 40 रुपये में आ जा रहा है तो एकदम अच्छी बात है, ठीक है। सो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और हाँ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।